देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जारी करो, जारी करो, जारी करो। केजरीवाल शरम करो, शरम करो, शरम करो। केजरीवाल शरम करो, शरम करो, शरम करो। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अभी तक कई हजार लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। ये बुराड़ी विधानसभा में आए मोहन जी के नेतृत्व में, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। कमालपुर मंडल है, लेकिन पूरे विधानसभा के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी क्षेत्र की जनता, जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, सभी साइन करके जा रहे हैं। और उनका भी कहना ये है कि हमारा सफाई कर्मचारी जो 3 दिन से हड़ताल पर बैठा हुआ है, अगर सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे तो क्षेत्र का 3 दिन में अगर ये हालत हुआ है और अगर वो 13,000 करोड़ हमें जारी करके नहीं देंगे तो उनके घर पहले से ही रोटी बंद है। लेकिन क्षेत्र की समस्या कैसे निपटेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए क्षेत्र की जनता भी हम सभी के साथ हस्ताक्षर करने के लिए एक एक करके सब आ रहे हैं। मुझे ये कहना है कि केजरीवाल जी विज्ञापन में इतना पैसा खर्च करते हैं, मलेरिया डेंगू का 10 मिनट 10 सेकंड का प्रचार करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों का पैसा देने में इतना प्रॉब्लम उनको हो रहा है। आज अगर 13,000 करोड़ रुपया देते हैं तो 5 महीने की सैलरी भी जाती है और क्षेत्र का विकास भी। वो चाहते हैं निगम पंगु रहे, उनके अधीन रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल जी से टक्कर लेने के लिए तैयार है। क्षेत्र की जनता उनके विरोध में है। जिस तरह से क्षेत्र की जनता उन्हें सिंहासन पर बिठाई है उसी तरह से उतारने की क्षमता रखती है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सर, ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो कब तक चलने वाली है और आज कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, किस तरीके का रुझान जनता का दिख रहा है? देखिए, हस्ताक्षर का जहाँ सवाल है, पूरी दिल्ली के अंदर प्रत्येक बूथों तक वहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और प्रत्येक मंडल का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से हो रही है, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हजारों की संख्या में अभी भी आप देख पा रहे हैं कि लोग खड़े हैं और यहाँ हस्ताक्षर बराबर चल रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। जिस तरह से दिल्ली नगर निगम निरंतर इस कोरोना महामारी के समय भी गली गली में और घर घर में जाकर के स्वच्छता करना, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उनको जागरूक करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स से पैरामेडिकल्स ने वहाँ पर काम किया, आज अगर उनको सर तनख्वाह नहीं मिलेगी उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे? उनके घर के अंदर कैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में विषय जा रहा होगा? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के जनता के राजा हैं और उनकी प्रजा इस तरह से एक एक पैसे के लिए उनके बच्चे परेशान हो, उनके घर में आंसू देखा है कभी इन्होंने जाके? जिस समय कोरोना महामारी चल रही थी उस समय ने माननीय मुख्यमंत्री जी जब LNJP हॉस्पिटल जाने में भी डरते थे, तब जाके भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को जब वहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा और लोग विश्वास जगा पाए कि नहीं, और डॉक्टरों का विश्वास जागा और इलाज आगे बढ़ा, आज दिल्ली स्वस्थ है। ऐसे लोगों को इलाज कराने का, ऐसे लोगों के पढ़ाई का, ऐसे लोगों के कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं उनकी तनख्वाह का पैसा मुख्यमंत्री जी ने रोका है, जिसकी मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जिला के जिलाध्यक्ष जिस तरह से एक गली जा करके लोगों को जगाने का और कार्यकर्ताओं के साथ अभियान चलाया है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये नगर निगम चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का आभा मंडल है, अपने आप एकदम खुलकर सामने आ जाएगा। और ये उन्होंने स्वीकार किया है, आपने एक वीडियो देखा होगा कि बुराड़ी विधानसभा के माननीय एक विधायक जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, जनता से अपील करके पूछ रहे क्या 13,000 करोड़ रुपया निगम को दे दिया जाए, ये खा जाएंगे।
विषय दो आ गए, खा जाएंगे और दे दिया जाए। जब दे दिया जाए इसका मतलब आपने लेके रखा हुआ है, और ले रखा है इसलिए जनता से पूछने की बात कर रहे हैं। क्या जनता ने कहा था कि रोक लिया जाए? यदि जनता ने रोक लेने कहा था तो आप पूछने जाते, और जनता कौन है जो यहाँ रह रही है? वो गलियों में मांग रख रहा है कि मेरे 13,000 करोड़ रुपए दिए जाएं, निगम को व्यवस्थित किया जाए और इसे चलाने में सहयोग किया जाए। सर, लगातार आरोपों का दौर जारी है और ऐसे में खामियाजा सीधे तौर पे दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी आप लोगों ने, पूरे भाजपा ने पूरे दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाया है, आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? देखिए, खामियाजा तो 4 साल से दिल्ली भुगत रही है। जब से केजरीवाल नगर निगम का चुनाव हारा है उसकी मानसिकता नकारात्मक है। वो निगम को काम नहीं देना चाहता, वो निगम का फंड नहीं करता। किसी भी निगम को चलाना राज्य सरकार का अधिकार है, निगम का वित्तीय पोषण करना राज्य सरकार का काम है, लेकिन दिल्ली नगर निगम, तीनों निगम लगातार धन के अभाव में जूझ रही हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही, विकास के कार्य नहीं हो रहे, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री नकारा निकम्मा केजरीवाल बिल्कुल गुमसुम होकर के बैठा है। हमारा निगम का नेतृत्व 13 दिन तक उसके घर पर धरने पर बैठा रहा, लेकिन उस बेशर्म को उनसे मिलने का समय नहीं मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता में जाकर जन जागरण कर रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार केजरीवाल निगम को नाकाम करने की तरह तरह की चालाकियां कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता को बताकर केजरीवाल का जो नंगा नाच चल रहा है उसको बंद कराएंगे और केजरीवाल का चेहरा बेनकाब करेंगे।